हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बनता है और इसे बनाना जो है बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। अब जो है हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो है एक पैन में आपने 1 टेबल स्पून बटर लेना है। वन टेबल स्पून ऑयल, वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थर्टी टू मिनट्स कुक करने के बाद अब जो है हम इसके अंदर 1 कप बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं और बोनलेस को जो है वो हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया था। जब चिकन को 6 से 7 मिनट्स जो है कुक करने के बाद अब जो है इसके अंदर 3 से 4 चॉप मशरूम्स ऐड कर रही हूँ, 1/2 कैप्सिकम, 2 टीस्पून मैदा फ्लोर ऐड करना है, 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, 1/4 से मिक्स कर लें। अब जो है हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक जो है हमारी सॉस थिक नहीं हो जाती तब तक जो है हम इसे कुक करेंगे। सॉस अच्छे से थिक हो गई है। अब जो है इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मोजरेला चीज डालेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। इससे जो है हमारी व्हाइट सॉस बहुत ज्यादा क्रीमी हो जाएगी। आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत क्रीमी हो गई है। एंड में जो है आप इसकी सीजनिंग को एक दफा दोबारा चेक कर लें। तो अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। इसे जो है मिक्स कर लेंगे। बॉइल्ड पास्ता, 1 कप पास्ता लेके उसे बॉइल कर लिया था मैंने। तो जी बस, अब क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो आपका
अब आपका डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।